प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन अपनी ध्यान साधना शुरू की थी। पीएम ने एक लोटे से समुद्र में सूर्य को जल अर्पित किया और माला जपी। उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 घंटे तक कुछ भी अन्न नहीं खाया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केवल तरल आहार ही ग्रहण किया। वह ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकले और मौन रहे। बता दें कि 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद वह नाव पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने अपने 45 घंटे का ध्यान शुरू किया था। उनकी ध्यान साधना आज पूरी हो गई है और अब वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। वही ध्यान साधना के अंतिम दिन पीएम मोदी ने भगवा वस्त्र पहने हुए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वह अपने हाथों में जापमाला लेकर मंडपम के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिखे। 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। इस जगह को पीएम मोदी ने ध्यान के लिए इसलिए चुना क्योंकि माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। 5 साल पहले 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। बता दें कि कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए मशहूर है और मेमोरियल तट के पास एक छोटे से टापू पर स्थित है।